नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, हम चल रहे थे यथार्थवाद पर। हमने मार्गंथों के यथार्थवाद के 6 नियम पढ़ भी लिए थे और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि मार्गंथों यथार्थवाद का विश्लेषण कैसे करते हैं। अब यथार्थवाद का विश्लेषण मैं आपको पुनः बताता चलता हूँ और उसके बाद हम नव यथार्थवाद पर भी आएंगे। लेकिन साथियों, जोश और होश के साथ पढ़ते रहें और पुराने पेपरों को करते रहें। मैंने बहुत सारे पुराने पेपर, जो पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर TGT के आए थे, उनकी PDF भी आपके लिए अलग से डाल दी है ओल्ड प्रीवियस पेपर के रूप में। और फिर आपके पास 14 मॉडल पेपर हैं, लगभग 15 वो हैं, और उसके बाद अभी मॉडल पेपर भी डलेंगे आपके पास। तो क्वेश्चनों का तो प्रैक्टिस का अथाह भंडार रहेगा, तो गाड़ी चलती रहेगी। चलते हैं हम यथार्थवाद के, मार्गंथों के यथार्थवाद का विश्लेषण। चलिए साथियों, मार्गंथों के यथार्थवाद का विश्लेषण, मार्गंथों अपने यथार्थवाद का विश्लेषण करते हुए 3 मूल नियम, 3 प्रकार की विदेश नीति और 3 शांति के प्रयास बताते हैं। 3 मूल नियम, 3 प्रकार की विदेश नीति और 3 शांति के प्रयासों की चर्चा करते हैं। यानी कि 3 का अंक मार्गंथों के लिए बहुत ही शुभ था, अच्छा था। 3 शांति के प्रयासों की चर्चा करते। अब ये क्या है 3 मूल नियम, 3 प्रकार की विदेश नीति क्या है और ये 3 शांति के प्रयास क्या है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 3 मूल नियमों की चर्चा करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, 3 मूल नियम। मैं लिखता भी चलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। आप कहेंगे पता नहीं याद नहीं रहता सर, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। तो ये देखो, पहला मूल नियम, किसी राष्ट्र का राष्ट्रहित उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विस्तार में निहित है। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक में हित है। भाई किसी प्रकार के हितों में वृद्धि हो जाए, समझो राष्ट्रहित की प्राप्ति हो गई। दूसरा, राष्ट्र के नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते। क्या है? राष्ट्र के नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते। अब ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, तीसरा मूल नियम क्या है? राष्ट्र के नेता शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं। शक्ति संबंधों का मतलब, अगर महाशक्ति है, अपने से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है, तो उसके साथ हमेशा विनम्र नीति अपनाते हैं, और कमजोर है तो उसके सामने कठोर। जैसे आप भाई से बात करते हैं, छोटे भाई से, तो वास्तव में आपका एटीट्यूड क्या रहता है, और जब पापा से बात करते तो क्या रहता है, आप जानते हैं ना, वही। तीसरा क्या है? राष्ट्र के नेता शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते। साथियों, एक बार पूछा भी था कि मार्गंथों के यथार्थवाद का मूल नियम क्या नहीं है, 3 तो ये दे रखे थे, चौथा
एक और दे रखा था तो चौथा वाला आंसर है। राम राम साहब जी, राम राम कसाना जी, आपको भी, कविता जी को, राजेश श्याम जी को भी, लड्डू गोपाल जी को भी, सबको हमारा नमस्कार है। लेकिन आप थोड़ा मैटर पे ध्यान देंगे दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तीन प्रकार की विधि, दूसरा क्या है, सेकंड क्या बताता है, तीन प्रकार की विधि। को भी ध्यान रख ले, पहला क्या कहता है, यथास्तुतिवादी स्टेटस को वाली, उदाहरण क्या है, यूएसए वर्तमान में, एक ध्रुवीय विश्व में कौन, यूएसए में क्या करते हैं, वे अपने वर्तमान प्रभुत्व को बनाए रखने का प्रयास कर, ठीक है। दूसरा है साम्राज्यवादी, इस प्रकार की नीति चीन अपनाता है, युद्ध का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, युद्ध का, अपने हितों की वृद्धि के लिए किसका प्रयोग करता है, युद्ध का। तीसरा कहते हैं प्रदर्शनवादी, एनोमिक वाली, ये तो इंपीरियलिस्टिक है, अंग्रेजी भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, तो स्टेटस क्यो वाली है। अब इसमें प्रदर्शनवादी में कौन अपनाता है, कोरिया, उत्तरी कोरिया, इसमें हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। कोई दिक्कत, एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, हाँ बताइए श्रीमान जी, तो कोई समस्या है इसमें, पता नहीं सोते रहते हैं हमेशा, टेंशन लेते हैं बस, आज के तो ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, पढ़ना है नहीं, देखो चलो बोलेंगे नहीं, चलिए अगला देखते हैं। तीन शांति के प्रयास, कितने प्रयास, तीन शांति के प्रयास, तीन शांति के प्रयास क्या हैं, पहला है बाय कंट्रोल, नियंत्रण द्वारा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाय कंट्रोल, में क्या क्या लेता है, पेन बदल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, तो लेता है निरस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, ऐसी नीतियों को कहता है, इसके द्वारा अगर शांति स्थापित होती है तो ये क्या है, नियंत्रण द्वारा है। दूसरा कहता है रूपांतरण द्वारा, कौन सा, रूपांतरण द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक ही लेता है मेनली, कहता है विश्व सरकार की स्थापना द्वारा शांति होगी, शांति कैसे आएगी, स्थापना द्वारा। कहता है तीन प्रकार के प्रयास होते हैं शांति के, पहला नियंत्रण द्वारा, नियंत्रण द्वारा में क्या आएगा, निशस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, फिर कहता है दूसरा रूपांतरण द्वारा, रूपांतरण द्वारा में क्या आएगा, कहता है इसमें आएगा विश्व सरकार की स्थापना। लेकिन कहता है ये दोनों अव्यवहारिक हैं, क्या है, अव्यवहारिक हैं, दोनों के दोनों क्या है, अव्यवहारिक हैं, लागू नहीं की जा सकते, इनसे कोई वास्तविक शांति नहीं आती है ना। कहता है तीसरा प्रयास ही महत्वपूर्ण है,
तीसरा प्रयास क्या है? राजने, क्या है? राजने, कूटनीति, डिप्लोमेसी, कहता है यही व्यवहारिक साधन है, शांति का व्यवहारिक साधन क्या है ये। अब ये तो समझ आ गया होगा कि सबसे कहते हैं शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है? कूटनीति द्वारा। कूटनीति क्या होता है? वार्ता की चालाकीपूर्ण चालों को कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ता की चालाकीपूर्ण चालों को कूटनीति। तो ये बेटा कूटनीति के फिर वो नौ नियम भी बताते हैं। मार्गेंथाउ, कूटनीति के निम्न नौ नियमों की भी चर्चा करते हैं। नियम बताते हैं कूटनीति के नौ, तीन तीन तीन, तीनों को जोड़ देंगे तो नौ ही होता है। अब इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है नौ नियम क्या हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। देखो मैं धीरे धीरे लिख देता हूं, लेकिन गड़बड़ नहीं करना। पहला, राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए, धर्म पर आधारित राजनीति नहीं। दूसरा, विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखने हैं, इनमें से पूछेगा कौन सा नहीं है फिर रोना शुरू नहीं करना। तीसरा, स्त्री हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। चौथा, अस्थिरताओं के लिए समझौता कर लेना चाहिए। स्थिर अस्थिरित्व तो समझते हैं ना, स्थिरित कौन से हैं? भौगोलिक सुरक्षा वाले, वही दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, यो तो कौन सा स्थिरित। और ये 55 करोड़ वाला क्या है? अस्थिरित, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हित। तो ये बेसिकली कहता है। फिर पांचवा क्या बताता है? दूसरे राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, केवल अपना अपना नहीं। भाई खुद खाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा खाए तो परेशानी, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे क्या कहता है? कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देना चाहिए। जो कमजोर राष्ट्र है ना, उसको स्वतंत्र मत लेने दो, अधीन ही रखो। नहीं देना चाहिए। आ गया, नहीं शब्द को मैंने इंडिकेट किया है, तो ध्यान रख लेना। अब उसके बाद क्या है? कहता है लेकिन किसी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। हो गए सात। अब आठवां देखो क्या कहता है। आठवां कहता है सेना को राजनीति के अधीन होना चाहिए, पाकिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए, सेना राजनीति के अधीन। नवां कहता है सरकार को सेवक की भांति नहीं,
नेता की भांति कार्य करना चाहिए। है ना, ये नो नियम है, ये याद रहने चाहिए। उसमें क्या है, आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें, नो नियम क्या होते हैं, आप तो हजारों नियम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे, अब इसकी आलोचना कर ले मार्गेंतु के यथार्थवाद की कर लेते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं, अब मार्गेंतु के यथार्थवाद की आलोचना कर देते हैं। चलिए, आपने कहा तो हमने करना शुरू कर दिया। आलोचना, आलोचना में क्या क्या, पहली आलोचना तो मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण, मानव में सहयोग की प्रकृति भी पाई जाती है। ये तो कहता है मानव दुर्गुणी प्राणी है, सद्गुणी भी तो है, मानव को दुर्गुणी बताकर मार्गेंथाउ मानव के सद्गुण पक्ष की अवहेलना करता है। भाई आप जैसे सद्गुणी व्यक्ति भी तो रहते हैं धरती पर, ये भूल गया मार्गेंथाउ, आप जैसे इंटेलिजेंट सद्गुणी बच्चे भी हैं इस धरती पर, शायद मार्गेंथाउ को पता ही नहीं होगा, आपसे मिला ही नहीं होगा, 80 में मर गया ना, अब आप छोटे थे होंगे या जन्म नहीं हुआ होगा आपका, ये मेनली परेशानी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पक्ष की अवहेलना, भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और नैतिकता भी तो पाई जाती है, यूएनओ जैसे संगठन भी तो हैं, ये अवहेलना करता है। तो दो आलोचना तो बहुत कॉमन सी हैं, ये तो वैसे भी ध्यान होंगी आपको। तीसरी आलोचना पे आ जाएं, अगर अनुमति हो तो। चलिए, आप अनुमति दे रहे हैं। तीसरा है, मार्गेंथु के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है, मार्गेंथाउ के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और दूसरी तरफ शांति के प्रयास बताता है, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताता है, दूसरी तरफ शांति के प्रयासों की चर्चा करता है। जब शक्ति के लिए संघर्ष है, फिर शांति की बात करना ही बेकार है, क्यों बताते हो शांति के प्रयास, शांति के प्रयासों की चर्चा करता है। हेलो, तो कोई दिक्कत है ना। चौथी एक थी, एल जंबर नार्दी बड़े थिंकर थे, वो मार्गेंथु की आलोचना करते हैं और कहते हैं मार्गेंथाउ तो इतना ज्यादा यथार्थवादी बन जाता है, अमेरिका ने जो वियतनाम में हस्तक्षेप किया था ना, उसकी आलोचना नहीं। चौथा देखते हैं, एल जंबर नार्दी, ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा नाम है, एल जंबर नार्दी, कितना प्यारा नाम है, आप भी अपना नाम रख सकते हैं, नाम अच्छा है, लेकिन आपने कोई बुक लिखी हो तभी तो लिखेंगे ना, एल जंबर नार्दी। आप क्या लिखते हैं, मार्गेंथु क्रिटिक ऑफ अमेरिका, पेन बदल लेता हूं, थोड़ा सा बढ़िया ले लेता हूं, मार्गेंथु क्रिटिक ऑफ अमेरिका, है ना, इंटरवेंशन इन वियतनाम,
वियतनाम 2011 में लिखते हैं मार्गेंटाउ अमेरिका के वियतनाम हस्तक्षेप की भी आलोचना नहीं करते। ये भी ध्यान रख लेना जंबर नारदी का भी भाई। अब उसके बाद एक और है, लेकिन मैंने जो लास्ट में लिखाई ना, ये दो तीन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, थोड़ा ध्यान रखना है। आप जैसे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मालूम है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्या आपसे इंटेलिजेंट तो कोई मिलता ही नहीं मुझे। अब पांचवा देखते हैं, पांचवें स्टेनले होपमैन आलोचना करते हैं। कौन आलोचना करते हैं? ये स्टेनले मार्गेंथु के यथार्थवाद को अब अंग्रेजी पहले लिख रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी पहले देखना, पावर मोनिज्म शक्ति एकलवादी सिद्धांत कहकर आलोचना। कहता है तो केवल शक्ति पर बल देता है। ध्यान रहेगा। अब एक नोट और नीचे डाल लो अगर डाल सकते हो तो, कि स्टेनले होपमैन है ना, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का समन्वयवादी दृष्टिकोण किया था, इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के गुणों का समावेश किया। तो लो मैं लिख देता हूँ, आप लिखना लिखना करते हैं तो है ना, लिखना भी हो जाएगा, लेकिन आप लिखना ध्यान रखेंगे तभी होगा है ना, लिखना आप कहेंगे तभी होगा। चलो पेन बदलते हैं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा सुविधाजनक रहे। ए होपमैन समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद, आदर्शवाद का क्या था? सहयोग, और यथार्थवाद दोनों के गुणों का समावेश करते हैं। अब मार्गेंटु के यथार्थवाद का महत्व क्या है? मार्गेंटु के यथार्थवाद का महत्व यह है, मार्गेंथू ने यथार्थवादी सिद्धांत को सिद्धांतिक रूप दिया और इसी के बाद नव यथार्थवाद और विभिन्न प्रकार की शाखाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में है। तो क्या है? मार्गेंथू के सिद्धांतिक आधार के बाद ही नव यथार्थवाद द्विधारी यथार्थवाद ऐसी नवीन शाखाओं का उद्भव हुआ। तो भाई ये ध्यान रख लेना
क्वेश्चन आए तो उसको कर लेना, नहीं तो फिर आपका ना काफी दिक्कत आएगी। और आप ज्यादा देखना चाहते हो, वैसे उदारवादी यथार्थवादी थे मैथ्यू स्पेक्टर, मैं आगे लिखा दूंगा, परेशान हो, इतना तो ध्यान रख लेंगे ना। अब देखते हैं नव यथार्थवाद, थोड़ा सा खुश हो जाइए, दुखी होने की जरूरत नहीं, चलें नव यथार्थवाद पर भी चलो। ये लो भाई, पहले समझा रहा हूं, बाद में थोड़ा सा डबल बार समझा देता हूं, मैं किसी भी चीज को ना दो बार समझाता हूं। अब देखना, वहां भी मैंने जब वीडियो डाली है, पहले आपको बोर्ड पर समझाया, फिर भी यहां भी मैं एक बार टेबल से समझा देता हूं, फिर आपको लिख कर भी समझा देता हूं, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर तो आपको एक ही व्यक्ति बता सकता, आप पायल की बात ही मान सकते, क्या कर सकते। तो कहते ना, गुरु नहीं समझा पाता तो उसे कोई और ही समझा सकता, कौन समझा सकता है ये मेरे। लेकिन एक जिगर मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें कुछ बताया गया, आपको समझ आ जाए तो जिगर मूवी देख लेना, उसमें कुछ बताया गया था, जब गुरु नहीं समझा पाता एक व्यक्ति समझा पाता, कौन सा है वो आप जिगर देख लेना, ठीक है ना। मुझे तो नहीं पता है, आप ज्यादा देख ले। अब देखो बेटा नव यथार्थ, अब नव यथार्थवाद में कुछ भी आप बस टेंशन ना लेना, दो मिनट का है, रिलीजन समझने के लिए दो ही मिनट काफी है। नव यथार्थवाद क्या कहता है, कब आया था, 1980 के दशक में आया था, तो 80 के दशक में आया, परंपरागत यथार्थवाद की कमियों को दूर आया, यानी कि ये मार्गेंटु के यथार्थवाद का विरोधी नहीं है, बस उसमें कुछ सुधार करता है। जैसे मैं, मेरा काम आप में कोई विरोध करना नहीं है, केवल आपकी कमियों को दूर करना है, ऐसे ही है। अब ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहता है संघर्ष के साथ सहयोग भी पाया जाता है, कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या पाया जाता है, संघर्ष सहयोग दोनों है, ये कहता है। फिर आपको ध्यान रखना है इसकी मेनली तीन शाखाएं हैं, अब ध्यान रखना है। अब कुछ विद्वान क्या है, दो ही शाखाएं बताते हैं, कौन बताते हैं भी मैं बताऊंगा आपको आगे, है ना। मेनली कितने हैं, तीन शाखाएं। अब तीन शाखाएं कौन सी हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। अब ये बात तो समझ आ गई ना, इसको मैं दोबारा नहीं लिखाने वाला, यहाँ पर दोबारा से सुन, ये क्या आया, नव यथार्थवाद क्यों आया, परंपरागत यथार्थवाद की कमियों को दूर करने आया, कि मार्गेंटु क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष पक्ष ही पाया जाता है, सहयोग की अवहेलना, तो ये क्या करता है, संघर्ष के साथ सहयोग भी कहता है दोनों, यानी कि मार्गेंटु की कमी को दूर कर दिया, जैसे व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में हुआ था ना, वही काम इसने कर। तीन शाखाएं कौन सी हैं वो ध्यान से सुन, तीन शाखाएं हैं, है ना। पहली तो है संरचनात्मक यथार्थवाद, सबसे मौलिक शाखा यही संरचनात्मक यथार्थवाद, सबसे मेन शाखा यही, ये केनेथ वाल्टर्स देते, कौन देते हैं, केनेथ वाल्टर्स। हाँ, नाम ध्यान रखना, केनेथ वाल्टर्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन्होंने किताब भी लिखी थी, तो आईपी 79 किताब भी लिखी थी इसमें, है ना। ये कहते भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं, राष्ट्रों को अस्तित्व पर बल देना चाहिए, और साथ में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली है, और कहीं ना कहीं शक्ति संरचना प्रभावित होती है, बात तो ये कर देते हैं। अब दूसरा जो है वो है सुरक्षावादी सा, सिक्योरिटी वाली, ये इससे जुड़े हुए जोसेफ ग्रीचो हैं, और ये कहते हैं भाई
संघर्ष ही ज्यादा पाया जाता है। ये कहते हैं संघर्ष ज्यादा है और सहयोग तो बहुत ही कम है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, संघर्ष ज्यादा है, ये तो दोनों बराबर मान लेते हैं। मजा गया। और ये क्या कहते हैं, संघर्ष ज्यादा है। अब तीसरी शाखा आई उदारवादी शाखा। उदारवादी शाखा भी मेनली तो यही कहती है संघर्ष की तुलना में सहयोग ज्यादा है। अब ये ग्रेटर का चिन्ह तो समझ आ रहा होगा, ये इससे जुड़े हुए विद्वान बहुत सारे हैं, हेडली बुल, मैरी बुचानन है ना, और रॉबर्ट गिल्पिन, चार्ल्स ग्रेसर, बहुत सारे हैं, नाम मैं लिखाऊंगा आपको सारे, आप टेंशन ना ले, ये उदारवादी है। लेकिन क्या है कि आप जानते ना, नेता वेता में ज्यादा बनती नहीं है। बाद में उदारवादी शाखा दो भागों में बट गई। जो इसके मूल नियम में आस्था रखते थे वो तो क्या कहलाए, डिफेंसिव, डिफेंसिव उदारवादी। जो इसमें आस्था रखते थे संघर्ष कम है सहयोग ज्यादा है, और जो उल्टा करते हैं तो ये कहते हैं नहीं भाई संघर्ष ज्यादा है और सहयोग कम है। मजा आ गया ना। और वो क्या देते हैं फिर, ऑफेंसिव आक्रामक शाखा। और इसी से जुड़े हुए हैं आक्रामक शाखा से सर जॉन साइमर, साइमर। अब यानी कि देखा जाए तो तीन शाखाओं की चर्चा मैं दोबारा से करता हूं। पहली शाखा कौन सी है, संरचनात्मक यथार्थवाद। ये कहती है संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं, और कहते हैं वैसे सहयोग अच्छा है, इसके लिए स्थिरत्व पर बल दिया जाए। दूसरी शाखा सुरक्षावादी जोसेफ ग्रिचो है, ये कहते हैं संघर्ष ज्यादा है। तीसरी शाखा आई थी उदारवादी शाखा, ये कहती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग ज्यादा है संघर्ष कम है। लेकिन ये कालांतर में दो भागों में बट गई। जो मूलतः मानते हैं कि सहयोग ज्यादा है संघर्ष कम है वो तो कहलाती है डिफेंसिव रक्षात्मक शाखा, और लेकिन जो ये मानते नहीं संघर्ष ज्यादा है और सहयोग कम है, वो जो इससे अलग होकर नई शाखा बनी उससे जुड़े हुए हैं जोर साइमर, जॉन साइमर, सर जॉन जोसेफ साइमर, पूरा नाम और सुनना चाहते हैं, इन्होंने ऑफेंसिव शाखा आक्रामक शाखा दी। कौन सी दी, आक्रामक शाखा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो आज दो का ज्यादा प्रभाव है, एक सो तो जोसेफ साइमर का, एक केनेथ वाल्टज। अब इनको हम चर्चा कर लेते हैं। अब मोटा मोटा तो आपको समझ आया होगा, अब मैं जल्दी से बता देता हूं, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। पहली शाखा देखते हैं संरचनात्मक यथार्थवाद। यह नवथारवाद की मौलिक शाखा है। इसलिए नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कह देते हैं। ना इस शाखा से जुड़े प्रमुख विद्वान केनेथ वाल्टज हैं, केनेथ बोल्डिंग नहीं, केनेथ वाल्टज। बोल्डिंग तो आदर्शवादी हैं, केनेथ वाल्टज है जो अपनी पुस्तक
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैं आईपी लिख रहा हूँ, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिख सकते हैं। 79 में निम्न बातों पर बल देते हैं, आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कौन कौन सी बातें वो ध्यान रखनी है। पहला क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं। दूसरा कहते हैं, राष्ट्रों को अस्थिरताओं पर बल देना चाहिए। बात कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सत्ता का केंद्र नहीं। हेलो भाई, फिर साथियों ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था तो है, राजनीति व्यवस्था नहीं है, ये शब्द भी कह देता है। अब चाहे तो इसी में लिख लो चाहे अलग से लिख लो। के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था तो है लेकिन राजनीति व्यवस्था, क्योंकि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का केंद्र है ही नहीं, राजनीति व्यवस्था तो तब होगी सत्ता का केंद्र होगा। अब हर बात को ध्यान में रखना है, बस ऐसा नहीं हम बाद में सुनेंगे कुछ भी बोल देते हैं फिर उसके बाद रोने लगते हैं। हालात ये हैं मेरे दोस्तों हमारे, हमें यही पता नहीं कि हमारा टॉपिक कौन सा कहां पर है। जैसे सिंपल है कि चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में क्या किया गया कि एमए का देख लिया का वही डाल दिया। आरपीएससी से बहुत बार गलतियां होती हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है यूके का प्रेसिडेंट, यूके में कहाँ प्रेसिडेंट पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं वही टॉपिक बार बार कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में डाल देते हैं और वही फिर बाद में आईआर में डाल देते हैं। तो हम क्या दो बार पढ़ते रहेंगे क्या, एक बार पढ़ लिया। अब बच्चों का यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, कॉलोनिज्म पढ़ना है वो आईआर में भी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी है, और उसको वहां नहीं देखेंगे, कहेंगे सर वो तो इसमें दे रखा है कंपेटिटिव में, आपने पता नहीं किसके साथ पढ़ा दिया। पढ़ोगे तो सारी चीजें ढूंढते तो है नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कौन सा नंबरिंग था, नंबरिंग तो देख लें भाई, चार। अब पांचवा देखते हैं वाल्टज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की चर्चा करते, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण शक्ति द्वारा होता। कैसे होता है, शक्ति। फिर ये क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनना, कहते हैं राष्ट्र के पास दो पावर होती है, एक प्रेजेंट पावर एक पोटेंशियल पावर, यानी कि संभावित क्षमता। कहते हैं जब कोई राष्ट्र ना
वर्तमान क्षमता के स्थान पर संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेगा तो सबसे बदतर स्थिति में जाएगा। क्या कहते हैं, जब कोई राष्ट्र वर्तमान क्षमता के स्थान पर संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेता है तो सबसे बदतर स्थिति में पहुंच जाता है, तो सबसे बदतर पोस्ट कंडीशन में पहुंच जाता है। जैसे सिंपली है बेटा, मान लीजिए आप आज प्रेजेंट पावर में तो क्या है, स्टूडेंट ही, संभावित क्षमता आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, लेकिन आज ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे और पिताजी कहेंगे कोई जरूरत नहीं, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ले लेना मुझसे 50,000। पिताजी 5,000 भी नहीं देंगे, फिर खर्चा नहीं चलेगा, क्या होगा कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय मत लो, वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लो, ये बेसिकली, नहीं तो सबसे बदतर स्थिति में। जब किसी से लड़ना तभी है जब प्रेजेंट पावर हो जाए, संभावना नहीं है, संभावना तो पता नहीं किसमें क्या होती है, क्या पता है। भजन लाल जी में भी संभावना थी ना, सीएम बन गए, पहले वसुंधरा से लड़ लिए होते ना, आज सीएम ही नहीं होते। समझ आ गया, आगे देखें। अगला क्या कहता है, इन्होंने किताब लिखी थी थ्री इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैन स्टेट एंड वार 1969 में, या नोट करके लिख दें, नोट करके इनकी दो बातें ध्यान रखनी। वाल्टज एक नंबर अपनी पुस्तक थ्री इमेजेस है, तीन इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आईपी लिख रहा हूं बार बार, क्या लिखना, 1969 में लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन चरित्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन प्रमुख पात्र व्यक्ति, राज्य और युद्ध है। ये तीन पात्र बताते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर इनकी आलोचना कौन करते हैं, रचनावादी जो है अलेक्जेंडर वेंट करते हैं, वो कहते हैं नहीं कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति से नहीं बनती बल्कि विचारों से बनती है। तो वाल्टज की कड़ी आलोचना रचनावादी अलेक्जेंडर वेंट करते हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण विचारों और मूल्यों से होता है,
सख्ती से नहीं। क्या आप ध्यान रख सकते? दो बातें मैंने लिखाई हैं, दोनों आपको पता रहनी चाहिए। अब इसकी सेकंड शाखा देखते हैं, सुरक्षावादी शाखा। से जुड़े विद्वान कौन से हैं? जोसेफ ग्रिच, ये क्या कहते हैं, संघर्ष ज्यादा है ना, मार्गेंथाउ के करीब हैं, कहते हैं सिक्योरिटी वाली ब्रांड, लेकिन यह शाखा प्रभावी नहीं। क्या नहीं है? प्रभावी नहीं। अब तीसरी शाखा पर हम चलते हैं, वो शाखा है उदारवादी शाखा, नव यथार्थवाद की उदारवादी शाखा। नींद में तो नहीं है भाई, बच्चों को नींद आ गई होगी, टाइम हो गया ना, हो गए रहा है, चलो सो जाओ। नव यथार्थवाद की उदारवादी शाखा, चलो इस पर भी ध्यान देते हैं। अब उदारवादी शाखा क्या कहती है वो आपको पता रहना चाहिए। ये शाखा मूलतः तो ये कहती है, मूलतः के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग अधिक है, संघर्ष कम है, संघर्ष कम है, लेकिन कालांतर में यह शाखा दो भागों में बट गई। यानी कि विद्वान ही तो होते हैं, दो भागों में बट गए भाई, और क्या है, ए डिफेंसिव शाखा। अब डिफेंसिव की हिंदी मैं कर रहा हूं, रक्षात्मक यथार्थवाद कह देते हैं। शाखा ऑफेंसिव आक्रामक नव यथार्थवाद। अब दो शाखाएं, जो डिफेंसिव शाखा है ना वो तो यही बात मानती है भाई, सहयोग ज्यादा है संघर्ष कम है। चलिए पहले हम डिफेंसिव शाखा पर चर्चा करते हैं ना, ये डिफेंसिव नव यथार्थ। इस शाखा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग अधिक है, संघर्ष कम है, शाखा से पूरे प्रमुख विद्वान हैं जॉन हर्ज,
चार्ल्स ग्रेसर, एक दो डाल दें, एक दो तीन, रॉबर्ट गिलपिन। अब इसमें नाम तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, रॉबर्ट जे आर्ट, क्रिस्टोफर लेन, टेरी बुजानन, और हेडली बुल। हेडली बुल भी इधर जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक इंटरनेशनल सोसाइटी करके किताब भी लिखी थी, तो अनार्की सुथदा अनार्किकल सोसाइटी। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली नहीं है, ये कह सकते हैं वहाँ अराजकता वाला समाज है, क्योंकि समाज तो है, सहयोग तो है, ये बात वो कहते हैं। तो हेडली बुल इधर जुड़े हुए हैं। हेडली बुल के अलावा आप थेड स्लेट भी इधर जोड़ सकते हैं, थेड स्लेट, मैथ्यू स्पेक्टर, थेड स्लेट, तो इन्होंने थेड स्लेट ने लिबरल रिलिज्म करके किताब भी लिखी थी। ये किताब भी लिखते हैं 2013 में, हेडली बुल में तो 77 में लिखी थी इसकी, 2013 की है। ये सब के सब क्या हैं, जो रक्षात्मक डिफेंसिव नव यथार्थवादी हैं, ये आप कह सकते। अब हम लेते हैं आक्रामक यथार्थवाद, ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक वाला, नव यथार्थवाद, इससे जुड़े विद्वान हैं सर जॉन जोसेफ साइमर। ये जुड़े हुए, ये क्या कहते हैं, संघर्ष अधिक है, ये अमेरिकन थे, उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का भी समर्थन किया था, 98 में किया था ना, फिर साथियों यूक्रेन जब संकट आया 2022 में, तब भी ये बहुत बड़े चर्चा का विषय बने रहे। कारण था इन्होंने जब क्या यूक्रेन और रूस के बीच में 94 में परमाणु समझौता हुआ था, तो उसमें यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि अपने सारे परमाणु हथियार रूस को ना सौंपे, नहीं तो कभी तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। वह यही यूक्रेन ने सौंप दिए परमाणु हथियार, और 2022 में रूस ने उसका क्या कर दिया, देख ही सकते हैं। यूक्रेन संकट के समय में भी मैं साइमर चर्चा का विषय बना। क्योंकि इन्होंने 94 में यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि सारे परमाणु हथियार रूस को ना सौंपे,
मासों पे। इस प्रकार देखें साथियों, वास्तव में काफी चर्चा का विषय रहे हैं और ये दो शाखाएं ज्यादा प्रभावी हैं, ये आपको ध्यान देना था। अब नव यथार्थ की अब छोटी छोटी शाखाएं हैं ये तो हम कर लेंगे, उसके बाद हम व्यवस्था सिद्धांत पर भी आएंगे और अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर व्यवहारिक राजनीति में मैं साथ साथ चल रहा हूँ और मैं बीच में व्यवहारिक राजनीति के टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, तो कुछ लगेंगे मुझे अच्छे तो आप थोड़ा ये तो मेरे अनुसार चलने देना। वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला, मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ, वैश्वीकरण वाला टॉपिक है तो मैं उसको एक बार समझाऊंगा, बाकी नहीं, बाकी तो चलेंगे सीक्वेंस। ग्लोबलाइजेशन जो है पर चर्चा बीच में कर सकता हूँ ध्यान से, कि ग्लोबलाइजेशन वैसे भी आपको समझ आना चाहिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर दूंगा, बाकी तो आप अच्छे हैं। मिलते हैं दोस्तों, तनाव ना लीजिए, कंटिन्यू वर्क करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।